हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बना अमरीक सुखदेव धागा अचानक ही चर्चा में आ गया है। दो दिन पहले बृहस्पतिवार को पराठों के लिए मशहूर मुरथल के दो ढाबों पर कार्यरत 81 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इनमें से 71 कर्मचारी मुरथल के मशहूर अमरीक सुखदेव ढाबे के हैं, जबकि 10 कर्मचारी गरम धर्म ढाबे के। फिलहाल प्रशासन ने दोनों ढाबों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ढाबे अनिश्चितकालीन के लिए सील रहेंगे, क्योंकि यहाँ कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट होना है। इसके लिए प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा है। वहीं अब ढाबों के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने से यहाँ पराठे खाने वालों की चिंता बढ़ गई है। लोग आपस में फोन पर बात कर एक दूसरे का हाल चाल ले रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में इन ढाबों पर जाने वाले लोग अपने जानकार या चिकित्सकों से संपर्क कर रहे हैं। वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं या नहीं, इस बारे में भी जानकारी लेना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि अमरीक सुखदेव ढाबा पर सामान्य तौर पर 5000 से 8000 लोग रोजाना पराठा खाते हैं। ये ढाबा 24 घंटे चलता है, इसलिए यहाँ पर कभी भीड़ कम नहीं होती, शाम को ज्यादा होती है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में फिलहाल रोजाना 2000 से अधिक लोग पराठा खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र के नाम पर खोले गए गरम धर्म ढाबे पर कोरोना काल में 500 से अधिक रोजाना पराठे खाने आ रहे थे।